हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभम लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रेकिंग सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑटोमोबाइल में। ब्रेकिंग सिस्टम से हम अपने गाड़ी की स्पीड को बहुत ही कम समय में कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके हेल्प से हम अपने एक्सीडेंट होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ब्रेक्स के बारे में। फ्रेंड्स, ब्रेक्स हमारी चार पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं। पहला हमारा है पर्पस पे हमारा आता है हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक। दूसरा आता है हमारा लोकेशन में हमारी ये बताता है कहाँ पे लोकेट होती हैं। तो इसमें आता है व्हील ब्रेक और ट्रांसमिशन ब्रेक। थर्ड आता है हमारा कंस्ट्रक्शन पे हमारी ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कंस्ट्रक्शन में आता हमारा डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। फोर्थ और लास्ट हमारा मोड्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मोड्स कैसे वर्क करती हैं वो बताते हैं। मोड्स में हमारा फ्रेंड्स पांच होती हैं। पहली होती है हमारी मैकेनिकल ब्रेक, दूसरी हाइड्रोलिक ब्रेक, थर्ड वैक्यूम ब्रेक, फोर्थ एयर ब्रेक और फिफ्थ हमारी इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका फ्लो चार्ट और एक एक करके एक्सप्लेन करूँ। टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। पहला हमारा पर्पस पे आती हमारी दो है, फुट ब्रेक और हम इसको सर्विस ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी फर्स्ट। सेकंड है हैंड ब्रेक, इसको हम पार्किंग ब्रेक के भी नाम से जानते हैं, पार्किंग ब्रेक। फ्रेंड्स, फुट ब्रेक वो ब्रेक होती है जिसको हम फुट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी होगी बाइक में ब्रेक होगी, कार्स में होगी, ठीक है, वो होती है हमारी फुट ब्रेक। और हैंड ब्रेक वो होती है जो हमारी हैंड से ऑपरेट करी जाए। जैसे कि हम गाड़ी में देखते हैं हमारी हैंड ब्रेक होती है, ठीक है, वो होती है हमारी हैंड ब्रेक। और उसको हम जैसे गाड़ी पार्क कर देते हो तो उस टाइम हम उसको यूज़ करते हैं, वो हमारी पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम पार्किंग ब्रेक रखा गया है, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा लोकेशन, कि ये ब्रेक्स कहाँ कहाँ लोकेट हैं। तो उसमें आता है हमारा पहला व्हील ब्रेक। ये ब्रेक होती है हमारी लोकेटेड एट व्हील्स। ये क्या होती है, हमारी पहिए के अंदर लोकेट होती है, ठीक है, वो होती है हमारी व्हील ब्रेक। सेकेंड है इसमें हमारा ट्रांसमिशन ब्रेक। ये क्या होती है, हमारी लोकेट होती है ट्रांसमिशन में, लोकेटेड एट ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी थी लोकेशन पे। और फ्रेंड्स, अब हमारा था थर्ड कंस्ट्रक्शन, कि किस किस बेस पे बनी होती है। ये हमारी दो तरीके की होती हैं। इसमें भी पहली हमारी डिस्क ब्रेक। इसमें क्या होती है हमारी, ये डिस्क की फॉर्म में होती है, डिस्क फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो डिस्क ब्रेक होती है आपने देखी होगी बाइक्स में और गाड़ियों में भी देखी होगी कि ऐसे गोल गोल डिस्क होती है और इसके अंदर होल से होते हैं ये ऐसे, वो होती है हमारी डिस्क ब्रेक, ठीक है। दूसरी हमारी ड्रम ब्रेक। ये क्या होती है फ्रेंड्स हमारी, इसमें क्या होता है, ड्रम होता है, गोल ड्रम होता है। इसके अंदर हमारे होते हैं ब्रेक शूज़ होते हैं
और स्प्रिंग लगी होती है और कैम लगी होती है, वो होती है हमारी ड्रम ब्रेक। और ये ज़्यादातर बेस मॉडल में यूज़ होती है, ड्रम फॉर्म में, ये हमारी ड्रम फॉर्म में होती है। आपने सिंपल बाइक्स में देखी होगी ये पीछे वाले टायर में और आगे वाले में, आगे वाले से ही पता लगती है ये डिस्क ब्रेक है और ड्रम ब्रेक है बाइक है, तो आगे ड्रम ब्रेक देखी होगी आपने, ड्रम फॉर्म में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो लास्ट है हमारा वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड, कि आप कैसे ऑपरेट करते हैं हम अपनी ब्रेक्स को। तो पहला हमारा मैकेनिकल ब्रेक, सेकंड हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक, थर्ड हमारा वैक्यूम ब्रेक, फोर्थ हमारा एयर ब्रेक, फिफ्थ हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेक। और फ्रेंड्स यही हमारी इंपॉर्टेंट ब्रेक्स है। ठीक है, आज फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में दो बताऊंगा, बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में तीन बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिकल ब्रेक ये वो ब्रेक होती है जो कि हमारी ऑपरेट हो मैकेनिकली, सच है, जैसे कि हमारा हो गया लीवर, हो गया लिंकेज, हो गए पैडल, हो गए कैम्स, हो गए और बेल क्रैंक हो गए, उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल ब्रेक। ये सब क्या हमारे मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगी, मैकेनिकल से ऑपरेट होगी, इसलिए हमारा हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका यूज ज़्यादातर लास्ट ट्रक्स में होता है, और जब हम ब्रेक पार्क करते हैं तो जो हैंड ब्रेक होती है वो भी हमारी क्या होती है, मैकेनिकली होती है, वो भी हमारी मैकेनिकल में ही आती है, मैकेनिकल ब्रेक में ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस टाइप ऑफ ब्रेक इट इज ऑपरेटेड बाय मैकेनिकली। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हमारी मैकेनिकली ऑपरेट हो, ऑपरेटेड बाय मैकेनिकली, सच एज जैसे कि हो गया हमारा लीवर, लिंकेजेस, पैडल्स और कैम्स एंड बेल क्रैंक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपोनेंट्स के नाम हो गए हमारे ब्रेक पैडल यूज हो रहा है इसमें पहला, और दूसरा है हमारा लीवर और एंड लिंकेज, थर्ड हमारा हो गया ब्रेक ड्रम, ब्रेक, अरे यार
ब्रेक ड्रम, फोर्थ होगी हमारी कैम, फिफ्थ होगी ब्रेक शू, सिक्स्थ होगी हमारी रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, और सेवन्थ होगी हमारी ब्रेक रॉड, ब्रेक रॉड। एट्थ होगी हमारी सेंट्रल रॉड, सेंट्रल रॉड। ठीक है फ्रेंड, ये हैं कंपोनेंट्स के नेम जो हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, फिर इसको एक एक करके इनको इनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स एक बार आप इसका लेआउट देख लें कि ये कैसे मतलब कैसे कनेक्ट होता है हमारी गाड़ी के अंदर। तो ये देख रहे हो आप, ये सर्कल, ये हमारे व्हील है, आगे वाले व्हील, ये हमारे पीछे वाले व्हील, ठीक। और ये जो है हमारी ये ब्रेक रॉड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है हमारी ये सेंट्रल रॉड है, सेंट्रल रॉड के अंदर ये हमारे चारों लीवर कनेक्ट होते हैं, मतलब इसका भी, इस वाले व्हील का, इस वाले व्हील का, इसका भी और इसका भी, सारे कनेक्शन यहाँ होते हैं। और ये कनेक्शन फिर व्हील से, ब्रेक पैडल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये ब्रेक पैडल से कनेक्ट है सेंट्रल रॉड से, सेंट्रल रॉड से हमारे चारों लीवर, और सेंट्रल ये लीवर किससे फिर कनेक्ट है, ब्रेक पैडल से, ठीक है। और ये होंगी हमारी ब्रेक रॉड, और ये देख रहे हो आप कैम लीवर ये हैं, ठीक है। ये था हमारा लेआउट, ठीक है। अब मैं आपको उसका जैसे इस व्हील के अंदर कैसे ब्रेक होती है शो, वो दिखा रहा हूँ, उसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अंदर का डायग्राम, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये हमारा ब्रेक पैड है, इसको क्या करेंगे हम दबाएंगे तब हमारा ये वर्क करेगा। और ये रहा हमारा ब्रेक ड्रम, ये पूरा ये आउटर वाला, ठीक। और ये ब्रेक शू, ये दिख रहे हैं आपको ये ब्लैक ब्लैक, ये हमारे ब्रेक शू का पार्ट है, ये यहाँ से ये ब्रेक शू है। और ये जो हमारी है रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, इसका काम क्या होता है, ये जब हम ब्रेक लगाएंगे तो कैम इसका क्या करेगा, ये दोनों ब्रेक शू को ओपन करेगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग भी क्या होगी, ओपन होगी, मतलब स्प्रेड होगी, ठीक। फिर ये अपनी वापस पोजीशन में आ जाती है, इसका ये काम होता है। ये हमारे लीवर हो गए, ये लिंकेज मतलब जोड़ने का काम करते हैं लीवर, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड से। ये स्टॉपर, ये रोकने का काम करता है। अब जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम ये हमारा इसके ऊपर हमारा व्हील लगा होता है, व्हील, ठीक है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये जो ब्रेक शूज है वो हमारे इसी में मैश होते हैं, ठीक है। और कैम हमारा जो ये कैम स्प्रेड करने का काम करती है, ब्रेक शू ये मैश होते हैं इसके साथ, और रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग ये होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बताऊंगा वर्किंग। फ्रेंड्स जब हम, अब मैं बता रहा हूँ वर्किंग कैसे होती है। फ्रेंड्स जब ये हम ब्रेक पैडल दबाएंगे तो ये क्या होंगे, लीवर ये पुश होंगे, और जो कनेक्टिंग सेंट्रल रॉड है उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, बैंड टर्न हो जाएगी। और फिर टर्न होने के बाद क्या, ये जो हमारी ब्रेक रॉड्स हैं ये भी क्या होंगी, खींचेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होएगा, जो हमारा कैम लीवर है वो क्या होगा, वर्किंग पोजीशन में आएगा कैम लीवर। जब कैम लीवर पोजीशन में आएगा तो फिर फ्रेंड्स जो हमारी कैम है वो क्या होगी, इसके अंदर जो सिस्टम कैम होती है वो क्या होगी, स्प्रेड होगी, ठीक है, वर्क करेगी वो अपना। तो क्या होगी, ये जो कैम है ये हमारी वर्किंग पोजीशन में ये क्या करेगी, ये इन दोनों को अलग 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 करने का काम करेगी। तो ये स्प्रिंग क्या होगी हमारी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग हमारी स्प्रेड हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या, ब्रेक शूज क्या होंगे हमारे, फैलेंगे, ठीक है। और फिर ये जो ब्रेक लाइनिंग है हमारी वो क्या आएगी, ड्रम से मैश होएगी, जिसके कारण हमारा व्हील क्या होएगा, मतलब इसकी स्पीड भी कम होएगी और रुकेगा भाई, इस तरह इसकी ये होती है वर्किंग ऑफ मैकेनिकल ब्रेक, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक, सेकंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। फ्रेंड्स इस ब्रेक में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर और
फ्लूड का यूज़ करते हैं, वो भी प्रेशर के साथ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ ब्रेक विच इज ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर एंड फ्लूड प्रेशर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या करेंगे, हम फ्लूड और हाइड्रोलिक का यूज करेंगे, ऑपरेट होगी, ठीक है, इन दोनों से ऑपरेट होगी, ठीक। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स और लेआउट का नाम बता देता हूँ, कंपोनेंट्स एंड लेआउट। कंपोनेंट्स में आते हैं इसके, पहला आता ब्रेक पैडल, दूसरा हमारा मास्टर सिलेंडर होता है इसमें, तीसरी चीज होती है इसमें हमारी फ्लूड रिजर्वर, और चौथी चीज होती है व्हील सिलेंडर। अब मैं इनको आपको डायग्राम में दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा ब्रेक पैडल, इसका फंक्शन क्या है, इसको हम ऑपरेट करते हैं ब्रेक, इससे हम ऑपरेट करेंगे ब्रेक को, ठीक है। मास्टर सिलेंडर, इसमें क्या है, हमारा जो फ्लूड है वो रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हमारा इन चारों व्हील्स के अंदर इससे जाता है, और ये हमारा फ्लूड रिजर्वर, इसमें क्या हमारा फ्लूड भरा होता है, ठीक है। इससे हमारा फ्लूड सिलेंडर के अंदर आता है, और सिलेंडर फिर इन सब में पहुंचाता है, ठीक। और ये हो गए फ्रेंड्स हमारे आगे वाले ड्रम, मतलब व्हील हो गए, मतलब ड्रम हो गए, और ये हमारे पीछे वाले व्हील, ठीक है, उनकी मतलब ड्रम का अंदर का ये पोर्शन है, ठीक है। अब ये हमारे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे सिलेंडर, इनमें क्या होता है हमारा, जब हम वर्किंग करते हैं तो इनमें हमारा फ्लूड आता है, उसके द्वारा हेल्प से इसमें हमारी ये दो पिस्टन आती हैं, ठीक है, उनसे हमारी ये वर्किंग स्टार्ट होती है। अब मैं आपको इसकी एक बार वर्किंग बता देता हूँ, वर्किंग ये जब हम ब्रेक पैडल दबाएंगे तो ये पिस्टन है इसकी, है पिस्टन क्या अंदर जाएगी तो इसमें प्रेशर क्रिएट होएगा, मास्टर सिलेंडर में प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, इन सब में जो फ्लूड फ्लो कर रहा था उसमें प्रेशर बनेगा, ठीक है। जब प्रेशर बनेगा तो ये जो व्हील सिलेंडर है इसमें भी प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा तो ये दोनों पिस्टन क्या है अलग अलग होंगी तो ये क्या होगी, ये जो ब्रेक शू है ये और ये क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, ठीक। स्प्रेड होने से ये क्या होगी हमारी, इसके साथ मैश होंगे ब्रेक शू, ठीक है। और ये हमारी ये रिस्ट्रेक्टिंग स्प्रिंग देखिए, ये रिस्ट्रेक्टिंग स्प्रिंग लगी हुई है सब में, ठीक। फिर जब हम ब्रेक को छोड़ देंगे तो ये वापस प्रेशर मास्टर सिलेंडर में बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा, तो ये जो पिस्टन है वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगी, ये क्या कर देगी अपनी वापस पोजिशन में आ जाएगी ये वाली स्प्रिंग, तो ये क्या होंगी पिस्टन अपनी पोजीशन में आ जाएंगी दोनों, तो यहाँ से प्रेशर ये कम हो जाएगा और फ्लूड वापस हमारा सिलेंडर में चला जाएगा, और जो हल्का प्रेशर रहता है तो ये हमारा फ्लूड इन्हीं में फ्लो करता रहता है, ठीक है फ्रेंड। ये थी वर्किंग हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक की, थैंक यू।